तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। तैयारियां धूमधाम से की गई थी, स्वागत उनका लगातार जारी है। कार्यकर्ता बीजेपी युवा मोर्चा भोपाल की टीम और मध्य प्रदेश की टीम यहां पर स्वागत कर रही है। तस्वीर आपको दिखा दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, बीडी शर्मा, सुमित पचौरी, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के वहां पर मौजूद हैं, जो जेपी नड्डा का भव्य स्वागत कर रहे हैं। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मंच पर शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं और जोरदार स्वागत। मंच पर विराजमान हो चुके हैं जेपी नड्डा और अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जोरदार स्वागत उनका किया गया स्टेट हैंगर पर, उसके बाद भाषण संबोधन। तो जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसके पहले तैयारियां भव्य कर ली गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर नजर आ रहे हैं, बीडी शर्मा मंच पर मौजूद हैं, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र सिंह के अलावा पी मुरलीधर राव, बीडी शर्मा खुद संबोधित कर रहे हैं मंच को, ये आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी आज भोपाल की मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे हैं। भोपाल के कार्यकर्ता पलक पांवड़े बिछाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की स्वागत किया गया। और आपको बता दें, देर शाम अब जेपी नड्डा जबलपुर जाएंगे, लेकिन उसके पहले जोरदार स्वागत, जोरदार तैयारियां यहां पर कर ली गई थी। आज दिन भर मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जेपी नड्डा का राजधानी भोपाल में। अभी फिलहाल स्वागत भाषण यहां पर बीडी शर्मा दे रहे हैं, जोरदार स्वागत उनका किया गया मंच पर और उसके बाद कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होगा। एक बड़ी बैठक जेपी नड्डा यहां पर लेंगे कार्यकर्ताओं की, मध्य प्रदेश बीजेपी की। उसके पहले आपको बता दें, तस्वीर बीडी शर्मा खुद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया जा रहा है भाषण उद्बोधन में। इसके अलावा जब जेपी नड्डा आए स्टेट हैंगर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जेपी नड्डा का स्वागत करने पहुंचे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब उनका जोरदार स्वागत हुआ स्टेट हैंगर पर, जैसे ही विमान से नीचे उतरे उसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया और अब जेपी नड्डा मंच पर पधार चुके हैं, मौजूद हैं और ऐसे में जोरदार स्वागत के बाद में संबोधन भाषण यहाँ पर चल रहा है। भोपाल से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जेपी नड्डा का स्वागत किया गया, उसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और बीडी शर्मा खुद तीसरी तस्वीर में संबोधित कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, पहले स्वागत की तस्वीरें, कार्यकर्ताओं में साफ उत्साह और जो बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें बीडी शर्मा खुद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है स्टेट हैंगर पर। खास बात यह कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी जेपी नड्डा का स्वागत करने पहुंचे हैं। अलग बात यह है कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। खास बात यह भी है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है, पंचायत का बज चुका है और ऐसे में विधानसभा चुनाव बिल्कुल समीप है। उससे पहले जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा अपने आप में बहुत अहम रखता, मायने रखता है। इसके अलावा आपको ये बताना जरूरी है कि इसके बाद जबलपुर के लिए रवाना होंगे, इसके पहले अलग अलग मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जेपी नड्डा के। ये बताना यहां जरूरी है कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद जेपी नड्डा करेंगे। अखंड से लेकर पूरे उन पांच राज्यों में से जो इस भारत के बड़े राज्य मित्रों, आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में का भोपाल आगमन हो रहा है। इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से भोपाल की इस ताल की नगरी में, मध्य प्रदेश की धरती पर मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक भोपाल के कार्यकर्ता आपके स्वागत के लिए एक उत्साह और उमंग के साथ आज भोपाल में जिस प्रकार से जमीन पर उतरे हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हम सब के नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं कि
हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, ऐसा उद्घोष हो के दिल्ली तक आवाज जाए, भारत माता की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जेपी नड्डा जी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सबके सौभाग्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भोपाल में, अरे ताली ऐसे बजने चाहिए क्या? एक बार तालियां बजा के जोरदार अभिनंदन करें। और सुनो, 1 जून को पधारे, 1 जून, 1 जून मतलब 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलीनीकरण हुआ था। और एक बात बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, मध्य प्रदेश के दामाद भी हैं नड्डा जी। लेकिन आगे ये बात और जोड़ रहा हूं, और मुझे कहते हुए उनके कार्यकर्ता भाव पे गर्व है। ससुराल में शादी थी, साले साहब के बेटे की शादी थी, लेकिन दिल्ली में चुनाव चल रहा था, नड्डा जी ने कहा कि मैं चुनाव छोड़ के शादी में नहीं जाऊंगा। यह साधारण बात नहीं है। चाहते तो विमान से 1 घंटे के लिए आ सकते थे, लेकिन नड्डा जी ने कहा राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी, और उसके बाद फिर मैं और परिवार। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। माननीय नड्डा जी, जैसा विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 में महाविजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को। विजय के बाद पधारे के फिर दोनों हाथ पर बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, कुशल संगठक और सफल प्रशासक, मुझे वर्षों तक उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। बचपन से ही विचारधारा के लिए समर्पित नड्डा जी, पहले विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, फिर भारतीय जनता मोर्चे के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उनके महामंत्री के नाते मुझे काम करने का उनके साथ सौभाग्य मिला। उनके जीवन का हर क्षण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता के चरणों में समर्पित किया है। आज मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश कुशाभाऊ ठाकरे की धरती है। उनके लगातार आपके नेतृत्व में विस्तार करने में लगा हुआ है पार्टी के, और मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, आदरणीय पंकजा ताई, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भाई नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, आलोक शर्मा जी, सुमित पचौरी जी, राहुल जी, केदार जी, रामेश्वर शर्मा जी, हमारे युवा विधायक बहन कृष्णा गौर जी, भाई विश्वास सारंग जी, विष्णु खत्री जी, और आप सबकी ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इस विश्वास के साथ कि विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश की सरकार भी, मुझे कहते हुए गर्व है आदरणीय नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनमें कई योजनाओं में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है।
और हम जनता की बेहतर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन ढोल बज गए हैं, शंख फूक गया है, नगाड़े बज रहे हैं। नड्डा जी को विश्वास दिलाओ, नड्डा जी को विश्वास दिलाओ कि स्थानीय निकाय के चुनाव में चाहे वो नगरी हो और चाहे वो ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। बोलो करेगी। जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करोगे, मिलकर साथ लड़ोगे, तो एक बार फिर संकल्प के साथ कि हम मध्य प्रदेश में विजय हासिल करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, अपने प्रिय अध्यक्ष नड्डा जी का फिर से हृदय से स्वागत करते हैं। 3 दिन हमें सौभाग्य मिलेगा, मध्य प्रदेश को 3 दिन का उनका प्रवास मिला है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन नड्डा जी, एक बार फिर ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन कीजिए।